नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट की आज की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एकजुट हो रहे हैं देश भर के किसान, और साथ ही आपको दिखाएंगे कि देश को 50 करोड़ की सालाना आमदनी कराने वाला दरभंगा रेलवे स्टेशन आखिर सफाई के मामले में क्यों है सबसे पिछड़ा। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल से बड़ी मुश्किलें, मुख्यमंत्री ने बनाई उच्च स्तरीय समिति, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। लंबी लड़ाई के लिए तैयार किसान संगठन, देशव्यापी मोर्चा बनाने की तैयारी, 16 जून को रणनीति का ऐलान। गुजरात के डांग जिले में पानी के लिए तरसते लोग, ज्यादातर जलाशय और कुएं सूखे, महिलाओं को लाना पड़ रहा है मीलों से पानी। हाईवे पर शराबबंदी से मुश्किल में कैटरिंग उद्योग, 67,000 करोड़ के सालाना नुकसान का अनुमान, हजारों लोगों पर लटकी बेरोजगारी की तलवार। महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। नासिक में किसानों के विरोध को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है और कई इलाकों में फल, दूध और सब्जियों की किल्लत भी देखने को मिल रही है। सरकार ने हालात को देखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है, लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये भी संकेत दिए हैं कि सभी किसानों के लिए लोन माफ नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल के चलते बाजार में दूध और सब्जियों की कमी हो गई है। किसानों ने कहीं दूध फेंक कर तो कहीं आम लोगों के बीच मुफ्त में दूध बांटकर विरोध जताया। उन्होंने जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किए। इस दौरान मुंबई और कुछ दूसरे शहरों में छिटपुट हिंसा भी हुई। नासिक के कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। मार्केट बंद होने की वजह से इतना तकलीफ है, और कोई भाजी मार्केट में है ही नहीं, और यहाँ कस्टमर आकर वापस जा रहे हैं और भाजी तो मार्केट में है ही नहीं, और जो है भी इतना भाव 40 रुपया किलो पत्ता गोभी है, और धनिया एवड़ी छोटी बंडल 120 रुपया बंडल है, तो आदमी क्या खरीदेगा क्या खाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सभी 1,20,00,000 किसानों का कर्ज माफ करना मुश्किल काम है। इन किसानों पर 1.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। तकरीबन 31,00,000 किसान कर्ज चुकाने की हालत में नहीं हैं, और राज्य सरकार उनके 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने पर विचार कर रही है। किसानों की मांगों पर गौर करने के लिए मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के सचिव और बैंक अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। समिति से 7 दिन के भीतर सुझाव देने के लिए कहा गया है। सरकार के दरवाजे पूरे तरीके से खुले हैं, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, हम आगे भी बातचीत करेंगे। हमने उनको बातचीत के लिए निमंत्रित किया है, और मुझे लगता है कि अगर किसानों के हितैषी होंगे और किसानों के हित में काम करना चाह रहे होंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ बातचीत करके इसमें से मार निकालेंगे। सरकार ने सारे विकल्प खुले रखे हुए है, सरकार किसी भी बात पर अड़ी हुई नहीं है। जितनी मांगे है वो सारी मांगों पर हम सकारात्मक है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से हड़ताल को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ताजा हाल के लिए विपक्ष ने राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री से किसानों की मांगों पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा। संघर्ष यात्रा निकालने के बावजूद 27 जिलों में से संघर्ष यात्रा, पूरी अपोजिशन उसमें शामिल थी, उसको बहुत बड़े पैमाने पे कामयाबी मिली, क्योंकि किसानों में उसका बहुत बड़े पैमाने पे समर्थन किया। नासिक जिले में खास करके प्याज रास्ते पे फेंके गए थे, टमाटर रास्ते पे फेंका गया था, बिल्कुल नहीं है। इसमें राजनीति क्या है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। आप फैसला जल्द से जल्द कीजिए, अगर फैसला करेंगे हम स्वागत करेंगे उसका। महाराष्ट्र में जब चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ, तब हमारी घोषणा थी ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ऋण मुक्ति की। अब 3 साल हुए हैं तो किसान हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि हमें ऋण मुक्ति कब मिलेगी। दूध हो सब रास्ते पे फेंक कर आंदोलन कर रहा है, और पुलिस की ताकत से आप उसको कुचल नहीं सकते। चुनाव में किसानों से किया गया वादा अब देवेंद्र फडणवीस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।
मुंबई से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो और इस पर बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता और किसान मामलों के एक तरह से विशेषज्ञ अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, अभी हमने अपनी कहानी में भी दिखाई कि किस तरह से सरकार ने खुद वहां पर महाराष्ट्र में वादा किया था किसानों से कि हमारी सरकार बनी तो हम कर्ज माफी करेंगे किसानों के लिए, लेकिन आज की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम सभी किसानों के कर्ज माफ नहीं कर सकते हैं, हमारे ऊपर राजस्व का बोझ पड़ जाएगा। ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? देखिए, जैसे ही ममता जी यूपी में योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफ़ी की, इसके बाद शिवसेना ने भी इसको एजेंडे में लिया और किसान संगठनों को लगा कि ये सही मौका है, क्योंकि बीजेपी पहले वायदा कर चुकी थी कि हम इनकी कर्ज माफ़ी करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो जो किसानों के जो मुख्य मांगे हैं यही दोनों हैं और इसीलिए ये पूरा का पूरा आंदोलन उग्र हो गया है। और अब ये कि अब ये सिर्फ महाराष्ट्र के दायरे में नहीं रहने वाला है, ये बढ़ करके आप देखिए पूरा जो मालवा का इलाका है वहाँ आ चुका है। तो कुल मिला करके ये और दूसरी चीज़ ये है कि महाराष्ट्र की स्थिति बिल्कुल अलग है। अगर आपने देखा होगा तो मराठवाड़ा में पिछले बार जो है किस तरह से किसानों ने आत्महत्याएं की वो रुकी नहीं है, और विदर्भ का पूरा इलाका भारी कृषि संकट से जूझ रहा है। तो महाराष्ट्र जो कि बड़ा संपन्न माना जाता है, हम ये मानते हैं कि वो हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रोइंग स्टेट है, वहाँ अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो बाकी राज्यों में तो और भी बुरी स्थिति है। तो मुझे लग रहा है कि राज्यों में किस तरह की स्थिति है, इस पर हम आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र के किसान आंदोलन पर हैं और उनके आंदोलन को धीमा करने की कोशिश के लिए सरकार ने अपनी तरफ से एक समिति का गठन किया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उससे ऐसा लगता नहीं है कि हाल ही में इस आंदोलन से उनको राहत मिलने वाली है या किसान आंदोलन थमने वाला है। दूसरी तरफ देश के दूसरे हिस्सों में किसान संगठन एकजुट हो रहे हैं और वो भी एक देशव्यापी मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं। आइए देखते हैं अरविंद कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। किसान अब लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। उनकी शिकायत है कि हर मोर्चे पर उनकी मुसीबतें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो अब अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का गठन किया गया है। दो संयोजक बनाए गए हैं। उत्तर भारत के किसान संगठनों से वीएम सिंह बातचीत करेंगे, तो दक्षिण भारत में पी अय्या कन्नू को ये जिम्मेदारी दी गई है। देश भर के किसान नेता जो हैं इकट्ठे एक मंच पे आके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं और अपनी लड़ाई सांझे रूप से करते हैं, तो उसमें हर को सब आदमी को ताकत मिलेगी, संगठनों को ताकत मिलेगी, हम लोगों को ताकत मिलेगी और सरकार को भी एक फायदा होगा कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी से बात करना आसान रहेगा बनिस्पत के 200 संगठनों से बात करना। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने मांग पत्र तैयार किया है। उसकी मांग है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लाभकारी बनाया जाए, पैदावार की सही कीमत मिले, चीनी मिलें, गन्ने की कटाई और ढुलाई का खर्च वहन करें और भुगतान में देरी पर ब्याज दें, जमीन के मालिकाना हक को ध्यान में रखे बिना किसान क्रेडिट कार्ड जारी हों, नदियों को जोड़कर बेहतर सिंचाई दी जाए और बुजुर्ग किसानों को पेंशन दी जाए। There must be the minimum support price and profitable price must be given to the farmers for that reasons and interlinking of rivers till that all the loan borrowed from the nationalized banks, state finance based, state owned banks and the finance company must be write off the cases loans must be given all farmers. इससे पहले 1989 में दिल्ली में किसान संगठनों की ऐसी एकता दिखी थी। तब उत्तर के ताकतवर किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इसके केंद्र बने थे, लेकिन टिकैत और संगठन क्षेत्रकारी संगठना के नेता शरद जोशी के बीच टकराव के कारण वो तालमेल ज्यादा दिन नहीं चला। इस बार खास बात यह है कि एकता का केंद्र दक्षिण भारत के किसान बन रहे हैं। वो 21 जून से दिल्ली में 100 दिन का आंदोलन चलाने के इरादे से आने की तैयारी में हैं। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अरविंद कुमार सिंह। तो तमाम किसान संगठन एक देशव्यापी मोर्चा बना रहे हैं, इस मोर्चे का सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर बातचीत करते हैं अरविंद कुमार सिंह से। अरविंद जी, 28 साल बाद इस तरह का कोई मोर्चा बनाने की तैयारी की जा रही है, इसका सिग्निफिकेंस आप क्या देखते हैं, क्या प्रासंगिकता होगी आने वाले? देखिए अमिता जी, अगर आप देखेंगे तो किसान संगठन छोटे छोटे दायरे में अपना मांगे उठा रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जबकि एक एजेंडे के तहत उन्होंने 5-6 इश्यूज तय किए हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, पूरे देश भर के किसानों के कर्ज माफ़ी हों और इस तरह के जो गन्ना या कैश क्रॉप के मामले में, तो ये एजेंडा लेकर के इन लोगों ने पहली बार किसान संगठनों के बीच में जो है आपस में तालमेल करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये हो गया तो देखिए इसमें महाराष्ट्र वालों को भी इन्होंने बुलाया है। 16 तारीख को पूरे दिन भर इनकी बैठक चलेगी, उसमें भारतीय किसान यूनियन है,
कर्नाटक रैयत संघ जो कि कर्नाटक का सबसे प्रमुख किसान संगठन है, उसी तरह से जो है गुजरात खेड़ू समाज है, ये सब कई ऐसे संगठन जो अपने अपने इलाकों में बहुत प्रभावशाली, लेकिन इनका कोई समन्वय 1989 के बाद नहीं था। और ये सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें हुई कि तमिलनाडु के किसान इस किसान एकता के प्रेरक बने हैं। अभी तक सारा जो किसान आंदोलन हमारा आया है वो उत्तर भारत के लोगों ने शुरू किया, तो एक तरह से उनका इनिशिएशन है। दो मतलब को कन्वेनर बना दिए गए हैं जो कि लोगों को जुटा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये स्थिति आ गई तो 1987 के दिनों में जो भारत में किसान आंदोलन खड़ा हुआ था और उसका असर हुआ, उसका असर भी हुआ, ऐसा नहीं कि उसके बाद जो है आंदोलन की आगे की दिशा क्या तय होने वाली है, कुछ अंदाजा लग पा रहा है? देखिए, जो 1987-88 में जो किसान आंदोलन उभरा वो बहुत सीमित दायरे में था। दायरे का मतलब बड़ा किसान आंदोलन था, लेकिन उनके पास एक दृष्टि नहीं थी। इस बार ये इनके पास एक नजरिया है जिसमें ये लोग सरकार के साथ जो है 2-3-4 मुद्दे जो कि कृषि जगत को पूरा संकट में घेरे हुए हैं उससे निपटने के लिए ये लोग सीधे सीधे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। पिछले बार तो कोई बिजली बिल माफ़ी की बात कर रहा था, कोई और माफ़ी की बात कर रहा था, लेकिन कृषि मूल्य नीति बदलनी चाहिए। ये नहीं होगा कि पिछले साल किसी किसान को किसी फसल का 1500 मिल रहा हो और इस बार जो है सड़क पर उसको फेंकने की नौबत आ जाए, 300 मिल रहा है। तो उनका ये कहना है कि हम मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसान कर्ज माफ नहीं भी कर सकती है तो कम से कम कृषि मूल्य नीति तो निर्धारित कर दे और उससे कम से कम जो लागत लग रही है किसानों को उसके अनुसार या उसके अनुरूप उनको जी बिल्कुल अमिता जी उनका यही कहना है। हमारी खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और अभी आपने देखा होगा पूरे मालवा से लेके पूरे देश भर में आलू किसानों ने आलू फेंकना पड़ा है। उनको जो आलू 10 रुपए में या 15 रुपए में बिकता था वो 3 रुपए पर 2.5 रुपए पे आ गया है। तो उनका ये कहना कम से कम इतना सम्मानजनक मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने चाहिए। अभी किसान 400 फसलें पैदा करता है, आपका MSP जो है 26 फसलों पर है और खरीद 3 फसलों की होती है। तो उनका ये कहना बाकी में हम मात खा रहे हैं, तो ये ठीक करने की जरूरत है मेरे हिसाब से जी, और उसी से कृषि संकट कम हो सकता है जी। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए अरविंद कुमार सिंह। आगे की खबर का रुख करते हैं। आगे की खबर रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता से जुड़ी हुई है। रेलवे ने हाल ही में रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता का एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण के मुताबिक विशाखापट्टनम पहले नंबर पर रहा, जबकि बिहार का दरभंगा रेलवे स्टेशन सबसे आखिरी पायदान पर रहा। आखिर 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई देने वाला दरभंगा रेलवे स्टेशन क्यों रहा सबसे पिछड़ा और क्यों पश्चिम बंगाल और बिहार के रेलवे स्टेशन सबसे गंदे माने गए हैं, आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बिहार का दरभंगा रेलवे स्टेशन, मुसाफिरों की भीड़ यहां रेल सुविधाओं की कहानी बयां कर रही है। दरभंगा उन स्टेशनों में शुमार है जहां से रेलवे को हर साल 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी होती है, लेकिन ये स्टेशन सफाई के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। हाल ही में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे स्टेशन स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की, उसमें A1 कैटेगरी में दरभंगा को आखिरी स्थान मिला। 75 स्टेशनों की सूची में बिहार और पश्चिम बंगाल का कोई भी स्टेशन टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। कुछ स्टेशनों में बहुत बड़ा एक सुधार है, जैसे कि ऊना जंक्शन पिछले टाइम 75 नंबर पे था और इस साल उनका नंबर 9 बन गया। अब एक कैटेगरी में A1 कैटेगरी में की बात कर रहा हूँ, एक कैटेगरी में जाएंगे तो खम्मम जो स्टेशन है आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में, उसका रैंक था पिछले साल में 285 और इस समय रैंक हो गया 2। यानी इतने कंपटीशन आने की वजह से, इंडिपेंडेंट ऑडिट की वजह से काम हुआ है। भारतीय गुणवत्ता परिषद की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में 407 रेलवे स्टेशनों को 2 कैटेगरी में रखा गया। A1 कैटेगरी में 75 और A कैटेगरी में 332 स्टेशनों को शामिल किया गया। A1 कैटेगरी में विशाखापट्टनम को सबसे साफ सुथरा स्टेशन पाया गया, उसके बाद सिकंदराबाद, जम्मू, विजयवाड़ा और दिल्ली का आनंद विहार स्टेशन आए। ए श्रेणी के स्टेशन में पंजाब का ब्यास पहले, तेलंगाना का खम्मम दूसरे और महाराष्ट्र का अहमदनगर तीसरे नंबर पर आया। पिछले साल A1 श्रेणी में पहले स्थान पर इंदौर रेलवे स्टेशन अब 45 नंबर पर पहुंच गया है। रेलवे अब स्वच्छता को लेकर 200 ट्रेनों का सर्वेक्षण भी कराएगी। जो नई ट्रेन्स के कोचिस आ रहे इसमें सब में ही कंपलसरी कूड़ा डालने के लिए व्यवस्था होगी और क्लीन करने के लिए भी अलग से व्यवस्था की जा रही है। 200 ट्रेन का भी थर्ड पार्टी ऑडिट क्लीनलीनेस के तहत हम करेंगे और ये उम्मीद है आगे अगले साल में शायद टैक्स का भी हम करेंगे। स्वच्छता को आंकने के लिए प्लेटफॉर्म पर स्वच्छ शौचालय, साफ सुथरी पटरियां और कूड़ेदान के इंतजाम वगैरह को कसौटी बनाया गया। रेलवे ने यात्री राजस्व के आधार पर 8,000 स्टेशनों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। जिन स्टेशनों पर यात्रियों से साल भर में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी होती है
उन्हें A1 श्रेणी में रखा गया है। 6 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक यात्री राजस्व वाले स्टेशन को A श्रेणी गया है। ताजा सर्वे से यह साफ है कि ज्यादा राजस्व देने वाले कई स्टेशन सुविधाओं के मामले में काफी पिछड़े हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ग्राउंड रिपोर्ट में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में क्यों बढ़ रही है कुंवारों की संख्या। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका बाहर, बिल क्लिंटन ने बताई ऐतिहासिक भूल। चीन यूरोप ने कही समझौते को आगे बढ़ाने की बात। देखिए पहली खबर, पेरिस समझौते से अमेरिका बाहर, रात 8 बजे। पन्नों में सिमटी एक सभ्यता की दास्तान। एक आलिशान शहर, करीब 26 किलोमीटर इलाके में फैले महल, मंदिर और बाजारों के अवशेष करते हैं जिसकी भव्यता का बखान। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक और इतालवी निकोल दे कैंटी ने अपने वृत्तांत में लिखा है तब के हम्पी की खूबसूरती का बयान। 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुआ द्रविड़ियन वास्तुशैली के इस शहर का निर्माण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं इस हफ्ते का हमारा खास मुद्दा। इस हफ्ते हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जल संकट से जुड़ी खबरें। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे गुजरात के डांग जिले की, जहां पर मीलों दूर तक महिलाओं को पैदल चलकर पानी भरना पड़ रहा है। यहां तक कि इलाके के विधायक भी लाचार दिख रहे हैं। 40 डिग्री तापमान और झुलसा देने वाली गर्मी, सिर पर पानी के मटकों का बोझ लादकर महज कुछ कदमों का सफर यहां मीलों लंबा महसूस होने लगता है। इसके बावजूद अपने और अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए गुजरात के डांग जिले की औरतें रोजाना 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलती हैं। इसके बाद भी जो पानी हासिल होता है वो पीने लायक नहीं होता। अबे तो बोपर होती पोती जाए तारे यहाँ जब पड़े हमने नट बे महीना पोसी तकलीफ पड़े हमने पानी न बहुत दूर थी लावे नीचे थी आबाजू सरकार में करे पन पानी तकलीफ अच्छा ही। जब से गर्मी का सीजन आता है जब से बहुत तकलीफ पानी की है। 5-6 किलोमीटर दूर से हमको वहाँ पे आते और गाड़ी बेल में भर के लेके जाते। डांग जिले में 308 गांव हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक आबादी 2,28,291 है। करीब 95% आबादी जनजातीय है। यहां बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है लेकिन इस भीषण जंगल से जानवर भी बेहाल हैं। उनके लिए ना तो चारा है और ना ही पानी। सरकारी एजेंसियां हफ्ते में 2 बार पानी की सप्लाई करती हैं लेकिन वो जरूरत से बेहद कम है। स्थानीय विधायक कहते हैं कि विधानसभा के हर सत्र में उन्होंने ये मुद्दा उठाया लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। जो इंटीरियर एरिया है वहाँ का जो गांव है उनको इतनी दिक्कत हो रही है कि वो नदी से कहीं कुआं से 1-1, 2-2 किलोमीटर जाके पानी पीने के लिए लाते हैं। मैंने कई बार बताया है कि कोटबा के नीचे एक डैम है वहाँ अच्छा पानी है, वहाँ से जूत पानी पुरवठा बना के इन इलाके के जो भी गांव हैं उनमें पानी पीने का पानी दे सकते हैं। ऐसे कहीं जगह पे खूब सोर्सेस हैं लेकिन वो सरकार नहीं करती। डांग वन संपदा से भरपूर है, मॉनसून के दौरान खूब बारिश होती है। जल संरक्षण के लिए 1500 चेक डैम भी बनाए गए हैं लेकिन मार्च के बाद इसमें पानी नहीं मिलता। नतीजतन गर्मी में लोगों को पानी का गहरा संकट झेलना पड़ता है। गुजरात के डांग से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेशनल हाईवे पर शराब की दुकानों को बंद करने का सबसे बड़ा असर
कैटरिंग उद्योग पर पड़ा है और कैटरिंग उद्योग को इससे 67,000 करोड़ रुपए के सालाना का नुकसान हो रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। गुड़गांव का मशहूर साइबर हब और इससे लगा ये हाईवे। पहले इस हाईवे पर शराब की कई दुकानें हुआ करती थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दूसरे हाईवेज की तरह यहां से भी बीते 1 अप्रैल से शराब की सभी दुकानें हटा दी गईं। कोर्ट ने वो हुक्म शराब पीकर गाड़ी चलाने से बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनज़र दिया था। उसका शराब के कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। इट इज़ इम्पैक्टिंग द लिकर इंडस्ट्री वेरी हेवली राइट नाउ। द प्रॉफिट्स हैव गॉन डाउन, इवन द सम लॉसेस आर एग्जॉर्बिटेंट, बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस। वी आर ट्राइंग टू रिकूप एंड कम बैक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हाईवे के 500 मीटर के दायरे में बने पब, होटल और रेस्टोरेंट में भी शराब बेचने पर पाबंदी लग गई। इससे इन जगहों पर लोगों की आमद 50% तक कम हो गई है। नुकसान के चलते कई रेस्टोरेंट, पब और होटल बंद होने के कगार पर हैं। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया के मुताबिक इससे कैटरिंग उद्योग को सालाना 67,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। Those pubs, hotels, restaurants, those who comes under the area of 500 meters are not allowed to serve alcohol or any kind of liquor. So we got affected in a good manner, but outlets, those who totally dependent on alcohol, wine and liquor, they are affected in a very harsh manner, and they are you know, few of the outlets got shut down as well just because of this. Highway par sharab bandi se lagbhag 10 lakh logon ki naukri par khatra mandra raha hai. साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों का राजस्व भी घटने का अनुमान है। देश के कई राज्यों की 25-40% आमदनी शराब से ही होती है। गुड़गांव से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उच्च शिक्षा के विकास में क्या रहा यूजीसी का योगदान और कैसे हुई यूजीसी की स्थापना, आइए देखते हैं इतिहास की नजर से। आज़ादी के तुरंत बाद भारत में उच्च शिक्षा को संभालने पर ध्यान दिया गया। 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना। उसकी सिफारिशों के मुताबिक 1952 में भारत सरकार ने केंद्रीय और दूसरे उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्तीय मामलों को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधीन लाने का फैसला किया। 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यूजीसी की नींव रखी। 1956 में यूजीसी के लिए संसद ने एक विशेष विधेयक पारित किया। तब से यूजीसी भारतीय उच्च शिक्षा की संरक्षक संस्था बनी हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में खास परंपरा है। यहाँ पर लड़कों को शादी के लिए लड़की के परिवार वालों को दहेज देना पड़ता है और हालत ये हो गई है कि लड़की के परिवार वालों को दहेज देने के लिए कई लड़कों के परिवार वालों को खेत तक गिरवी रखना पड़ रहा है। और आलम ये भी है कि कुछ परिवार वाले जो जिनके पास खेत नहीं है या पैसे नहीं हैं, उनके लड़के कुंवारे भी रह जा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। झाबुआ जिले के सागड़िया गांव में कैलाश कोबा की शादी है। नाच गाकर धूमधाम से शादी की रस्में पूरी की जा रही हैं। लेकिन कैलाश के लिए वधू ढूंढना इतना आसान नहीं था। इसके लिए लड़की के परिवार वालों को देने के लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ा। कैलाश को अपनी 2 बीघा जमीन गिरवी रखनी पड़ी। रिक्शा लाया और लाड़ीन बांध दिया और जैसे पहने जाएं मालाम जाएं काम करें रिक्शा लाएं पैसा मायने बनना। गांव वालों के लिए अब ये परंपरा मुश्किल का सबब बन गई है। इस इलाके के आदिवासी समाज में वधू मूल्य की परंपरा प्रचलित है। इसके तहत वधू के घर वाले विवाह के पहले मोटी रकम की मांग करते हैं। ये प्रथा अब एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है। लाड़ी के ले जाऊंगा तो ही मनक जागा कोटा लड़की करवा वी लाविन वापिस वी आज रुपया भरेगा। कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस परंपरा के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत की है और कुछ असर भी दिखा है।
दापा परंपरा आदिवासी समाज में शुरू से रही है, जहां पर इसका मूल जो भावना थी वो कन्या का सम्मान हुआ करता था, जहां प्रतीक के रूप में 125 रुपया 11 रुपया तक होती थी। आज की तारीख में हाल ही हो गई 2 लाख से 5 लाख 3 लाख रुपया इतना लोग दापा के रूप में लिया जाता है, और ये आज की स्थिति में आर्थिक स्थिति खराब होने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अब भी यहाँ अविवाहित लड़कों की मुश्किलें कम करने के लिए काफी कुछ किया जाना है। मध्य प्रदेश के झाबुआ से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो परंपरा तो शुरू हुई थी लड़कियों के सम्मान से, लेकिन आते आते उसका ये रूप सामने आया। खैर, आज की ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।